नगर पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय दो शातिर ऑटो लिफ्टर को किया गया गिरफ्तार। कब्जे निशानदेही से चोरी की 16 अदद मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद बाराबंकी में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18 फरवरी 2024 को मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तो शातिर ऑटो लिफ्टर एक विशाद अली पुत्र हबीब अली निवासी बख्शी पूर्वा मजरा घोका थाना करलेनगंज जनपद गोंडा व दूसरे एजाज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी चोरी चौराहा थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा को तिराही थाना कोतवाली नगर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 16 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उक्त संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 140/2/2024 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवी पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में प्रकाश में आया है कि अभियुक्त गण द्वारा जनपद बाराबंकी लखनऊ अयोध्या एवं आसपास के जनपदों में भीड़भाड़ वाले स्थानों की रेकी कर मोटरसाइकिलों को लॉक मास्टर चाबी से खोलकर गाड़ियों की चोरी की जाती है तथा चोरी की मोटरसाइकिलों को सस्ते दामों पर फेरी करने वाले कबाड़ियों व अनजान लोगों को बेच दिया जाता है। अभियुक्त गण द्वारा मोटरसाइकिल की वास्तविक नंबर प्लेट के स्थान पर कूट रचित नंबर प्लेट का प्रयोग किया जाता था। अभियुक्त गण द्वारा माह नवंबर 2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल से UP 41V 1573 चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 1270/2023 धारा 379/411 भादवी पंजीकृत है। अभियुक्त गण के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस पूरी सराहनीय कार्य में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उत्तर उप निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह उप निरीक्षक संदीप दुबे हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह हेड कांस्टेबल शिव कुमार हेड कांस्टेबल राकेश विश्वकर्मा अश्विनी सिंह बाल गोविंद कुशवाहा कुलदीप वाजपेयी धीरज सिंह कांस्टेबल अभिषेक सिंह राहुल कुमार व अभिषेक यादव का सराहनीय योगदान इस कार्य में रहा। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ फहद खान की रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में निरंतर अपराधियों पर अंकुश लगाने और उनकी विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियान यहां पर सतत रूप से प्रचलित है। इसी क्रम में COCD मैडम के पर्यवेक्षण में हमारे इंस्पेक्टर जो CT साहब हैं उनकी टीम ने, जिसमें कि प्रमुख रूप से रविंद्र कुमार सिंह जी मनोज कुमार संदीप जो निरीक्षक हैं वो कंटिन्यू काम पे लगे हुए थे, उनके पास एक इनपुट आया कि जो हमारे जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं वहाँ से जो बाइक्स लिफ्ट हो रही हैं और बाइक चोरी हो रही है, इन्होंने ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इनपुट के माध्यम से इस पर कंटिन्यू वर्क किया तो पता हुआ कि एक गैंग है जिसके जो गोंडा के उसमें रहने वाले हैं और उनके पास कुछ ऐसी की है जिसकी वजह से वो किसी भी ऐसी बाइक को वो ओपन कर देते हैं और फिर वो उसको औने पौने दाम पे कबाड़ियों को और जो वेंडर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। क्योंकि बाइक्स का प्रयोग बहुत ढंग में देखा जाए तो बहुत तरीक़ों में अपराध के अन्य कारणों में भी होता है। इसको उन्होंने वर्कआउट किया, इन दोनों अधीक्षक को जब हिरासत में लिया गया तो पहले तो एक बाइक थी, उसके बाद इनकी निशानदेही पर 16 बाइक एक साथ बरामद की गई है। यह एक ग्रेट अचीवमेंट है बाराबंकी पुलिस के लिए और इसमें अभी जो 12 जो 16 बाइक है उसमें से कुछ नंबर इन्होंने कूट रचना करके चेंज कर दिया है। यह एक अपराध को दूसरे तरह के अपराध को जन्म भी देगा। इसमें से दो अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, एक का नाम इरशाद है और दूसरे का नाम एजाज है। ये दोनों करनालगंज गोंडा के रहने वाले हैं और अभी इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी अन्य इनके साथियों को हम तत्परता से त्वरित कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया।